Question two. Next
और जो क्वेश्चन होगा उसको नेक्स्ट कॉलम में ले जाएंगे। किस तरह से स्टूडेंट, सिंपल सी आपको मिसाल है, अगर आपके पास कोई से दो नंबर टैग हुए हैं, वन बेस टू में आपके पास कोई से दो नंबर एक एग्जांपल से आप मैं यहां पे क्लियर करवा लूं कि अगर आपके पास कोई से दो नंबर एक बेस टू में आपके पास नंबर 0 1 है और दूसरा आपके पास जो नंबर है वो 1। अब अगर आपने इनको ऐड करना है, इनको आप ऐड करेंगे 0 1 बेस टू और ये आपके पास सिंपल 1 इसकी बेस टू। स्टूडेंट 1 और 1 आपके पास क्या हो गया, ये 1 और ये 1 जब आपस में ऐड होंगे 1 प्लस 1 आंसर आपके पास आ गया 2। स्टूडेंट अभी आपको बता चुका हूं कि बेस टू सिस्टम में हमारे पास सिर्फ दो नंबर होने चाहिए 0 और 1। बेस टू नंबर सिस्टम 0 और 1 से ज्यादा नंबर सिस्टम को अपने अंदर नहीं ले सकता। बेस टू नंबर सिस्टम के जितने भी आंसर होंगे या जितनी भी वैल्यूज होंगी वो या 0 होंगी या 1 होंगी या 0 1 का कॉम्बिनेशन होगी। अब आपके पास नंबर क्या आ गए, नंबर आ गया आपके पास 2। अब जो स्टेटमेंट मैंने यहां लिखी है उसमें क्या है, अगर आपके पास दो नंबर्स को ऐड करें, बेस टू नंबर सिस्टम की कोई भी दो नंबर्स को ऐड करें, आंसर 1 से बड़ा आ गया, आप वो जो आंसर आएगा उसे 2 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर होगा उसको लिख देंगे और क्वेश्चन को नेक्स्ट कॉलम में लेके चले जाएंगे। कॉलम्स क्या है स्टूडेंट, ये आपके पास अगर नंबर है ना 1 और 2 तो ये 1 जो है ये एक कॉलम है, ये 2 जो है ये आपके पास कॉलम है, यानी ये जो वर्टिकल फॉर्म है इसको हम कॉलम कहेंगे। ठीक है, ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, यानी कॉमन से जो नंबर सेपरेट होंगे वो एक कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए यहां पर 1 और 1 आपके पास क्या आ गए, 2 आ गए। अब 2 है, 2 हमारे पास बेस 2 सिस्टम में आ सकता है नहीं आ सकता, बेस 2 सिस्टम हमारे पास बड़े से बड़ा नंबर 1 है। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को हम डिवाइड करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, इस 2 को अब हमने डिवाइड करना है, इसकी डिवीजन मैं आपके लिए यहां पर। अब देखिए 2 को डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करें, 2 का टेबल 2 कितने टाइम गया, 1 टाइम गया, क्या आ गए 2 आ गए, रिमाइंडर क्या बचा 0। ये जो होता है ये आपके पास रिमाइंडर होता है और जो जितनी टाइम टेबल जा रहा होता है वो आपके पास क्वेश्चन होता है। तो स्टूडेंट अभी यहां इस स्टेटमेंट को देखें, देन वी विल राइट द रिमाइंडर। हम क्या करेंगे, वी विल राइट रिमाइंडर, रिमाइंडर को लिखेंगे एंड कैरी क्वेश्चन टू नेक्स्ट कॉलम, और क्वेश्चन को क्या करेंगे नेक्स्ट कॉलम की तरफ ले जाएंगे। अब स्टूडेंट यहां देखिए 1 और 1 का आंसर क्या आया, 2। अब 2 में रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया, रिमाइंडर आपके पास आ गया 0, मैंने रिमाइंडर नीचे लिख दिया है। अब यहां पर देखिए मैं नंबर नंबर रेज कर देता हूं ताकि आपके लिए क्लियर हो। अब देखिए रिमाइंडर मैंने नीचे लिख दिया, अब क्वेश्चन 1 है, नेक्स्ट कॉलम आपके पास ये है वो आपके पास इधर आ गया। अब ये इस नंबर में 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, इसके नीचे यहां पे नंबर नहीं है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 है, लेकिन नीचे आ जाएगा और ये आपके पास नंबर क्या बन जाएगा, 1 और 0 10 टू बेस 2 बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप लोगों ने बेस 2 सिस्टम के नंबर्स को कन्वर्ट करना है। एक एग्जांपल और आपको दे रहा हूं, अगर आपके पास नंबर सिस्टम में अगर आप कोई भी नंबर्स को ऐड करते हैं तो आपके पास नंबर 3 आ जाते हैं, तो आप 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 दा 2 रिमाइंडर 1, तो फिर आपके पास 3 का जो आंसर होगा 1 और 1, 1 और 1 टू बेस 2 लिखेगा, 1 और 2 बेस 2। तो इसी तरह से यानी आपके पास 1 से जितने बड़े नंबर होंगे आप उनको 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आप नीचे लिखेंगे और जो क्वेश्चन होगा वो अगले कॉलम में लिख देंगे। और अगर आपके पास कोई नंबर 1 ही हो तो उसको फिर आप इस फॉर्म में लिखेंगे, रिमाइंडर और क्वेश्चन दोनों साथ मिला के उसकी बेस 2 लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी हम इसकी मल्टीप्लिकेशन टेबल पर आते हैं कि बेस 2 का मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे, सॉरी मल्टीप्लिकेशन टेबल कह रहा हूं एडिशन, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं एडिशन। तो स्टूडेंट्स एडिशन टेबल को देखते हैं, एडिशन टेबल फॉर बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम का एडिशन टेबल क्या होगा स्टूडेंट, बाइनरी सिस्टम में हमारे पास कितने नंबर हैं, बाइनरी में हमारे पास सिर्फ दो नंबर हैं
जीरो और वन। अब यहाँ भी हम जीरो लेते हैं, यहाँ भी हम वन लेते हैं, इधर हम एडिशन का साइन लगा देंगे क्योंकि आपने इसे ऐड करना है। स्टूडेंट जीरो प्लस जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो प्लस वन आपके पास क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। वन प्लस जीरो आपके पास क्या आ जाएगा, वन आ गया। वन प्लस वन आपके पास क्या हो गया, टू आ गया। टू को डिवाइड करेंगे क्यों, क्योंकि बेस टू सिस्टम में सिर्फ नंबर जीरो और वन के फॉर्म में लिख सकते हैं, इससे बड़े नंबर बेस टू सिस्टम में आ ही नहीं सकते। तो देखिए 1 प्लस 1 हमने किया, ये वाला 1 और ये वाला 1 प्लस 1 आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब 2 इस पे सिस्टम में आ सकता है, नहीं आ सकता, क्यों, हम सिर्फ मैक्सिमम जो बड़े से बड़ा नंबर है वो 1 लिख सकते हैं। अब हम 2 को डिवाइड करेंगे, 2 1 का 2 रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अब देखिए स्टूडेंट अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास सिर्फ एक डिजिट हो तो आप रिमाइंडर और क्वेश्चन एक साथ लिख के उसी बेस का बना देंगे, 2 बना देंगे। तो अब 1 प्लस 1 जब आपस में ऐड होंगे तो आपके पास क्या बन जाएंगे, 1 और 1 2 हुआ, 2 को हमने डिवाइड किया, आंसर क्या आ गया, 1 टू 0 यानी 10 टू बेस 2 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एडिशन टेबल एक दो एग्जांपल इसी करते हैं और फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह आगे सब्ट्रैक्शन करते हैं। स्टूडेंट्स एक दो एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं, इसकी क्लेरिफिकेशन करते हैं। एग्जाम्पल आपके पास है, वन वन टू बेस टू एंड वन जीरो टू बेस टू। स्टूडेंट्स ये नंबर को हमने ऐड कर दिया। अब देखिए पहला ये नंबर आप लोग इसको लिखते हैं, दूसरा नंबर जब आप लिखेंगे, अगर इधर नंबर आप डिजिट्स थोड़े हो इधर ज्यादा हो तो आपने लिखना स्टार्ट करना है राइट से लेफ्ट की तरफ, यहाँ पे जीरो यहाँ पे वन, किसकी बेस टू। स्टूडेंट्स वन प्लस जीरो एडिशन टेबल में क्या होगा, वन हो जाएगा। वन प्लस वन क्या हो गया आपके पास, वन प्लस वन आपके पास हो गया टू। अब टू इस बेस सिस्टम में आ सकता है, नहीं आ सकता, बेस सिस्टम में बड़े से बड़ा नंबर अगर क्या है, वन है। तो आप टू को डिवाइड करेंगे टू से, क्यों हमारे पास बेस तो टू ही है, तो बेस टू से डिवाइड करेंगे, तो वन दा टू रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया, जीरो। अब देखिए स्टूडेंट डेफिनेशन को ध्यान में लाएं, अगर आप नंबर्स को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आप नीचे लिखेंगे और क्वेश्चन आप अगले कॉलम को देखेंगे, रिमाइंडर आपके पास जीरो है तो इसके आंसर में आपने जीरो यहाँ लिख दी, आपके क्वेश्चन है ये आगे चला गया वन। अब वन और वन क्या हो गया, दोबारा वन प्लस वन दोबारा टू बन गए। अब रिमाइंडर को मैंने जीरो नीचे लिख दिया दोबारा, अब क्वेश्चन आगे कोई नंबर है इसके, नेक्स्ट नंबर हमारे पास नहीं है तो क्वेश्चन भी सीधे साथ आ जाएगा यहाँ, और ये आपके पास 10012 बेस टू इसका आंसर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में एडिशन को हम डिस्कस कर किया हमने, आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, कल इंशाल्लाह हम सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे। और अब नेक्स्ट आप लोगों ने जितने आपके लेक्चर हो चुके हैं सब लेक्चर्स को आप लोगों ने रिवाइज रखना है, आगे जो एमसीक्यूज होंगे उसमें पीछे वाले जो लेक्चर होंगे उनसे एमसीक्यूज भी दिए जाएंगे, तो अच्छी तरह से इनको तैयार करें, घर में इसकी बात प्रैक्टिस करें। बहुत शुक्रिया।